देखना इसमें जो पहला है वो है एल्केन। कौन है? एल्केन। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखना CH4। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? एक। इस सूत्र में रख के देखते हैं, देखना कार्बन एक, हाइड्रोजन तो 2, एन का मान कितना? एक प्लस 2, तो 2 1 2 और 2 2 4, तो कितना आ गया? CH4। अगला देखना, अगर एन का मान 2 ले तो क्या आ जाएगा? C2H6। सूत्र में रख के देखते हैं, C2 हाइड्रोजन 2 × एन का मान कितना है? 2 प्लस 2, तो 2 2 4, 4 2 6, तो क्या हो गया? C2H6। अगला देखना तीसरा, C3H8, तो यहाँ पे एन का मान कितना आ गया? 3, तो लिख दिए C3H2 × एन का मान 3 प्लस 2, तो 3 2 6, 6 2 8, तो कितना आ गया? C3H8 हो गया ये। अगला देखना, इसमें अगर इसमें देखें तो इसमें एक CH2 जोड़ दो, ठीक है, एक CH2 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? C2H6। इसमें फिर एक CH2 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? C3H8। इसमें फिर एक CH2 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? C4H10। कैसे? यहाँ पे 3 कार्बन थे, एक कार्बन और जोड़ दो, कितना हो गया? 4 कार्बन। 8 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो, कितना हो गया? 10। इसमें फिर एक CH2 जोड़ दो तो कार्बन कितने? 4, एक ये, कितना हो गया? 5। हाइड्रोजन कितने? 10 और 2 ये, कितने हो गए? 12। तो सूत्र से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी। तो अगर देखोगे तो जो मेथेन है CH4, ठीक है, ये क्या है? CH4, इसको क्या बोलते हैं? मेथेन। अगला, इसमें हमने क्या किया था? एक CH2 जोड़ दिया था तो क्या बना था? C2H6, इसको क्या बोलते हैं? एथेन। इसमें फिर एक CH2 हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? C3H8, तो इसका नाम क्या होता है? प्रोपेन। तो देखोगे ओवरऑल तो एल्केन के नाम के अंत में क्या आ रहा है? AnE, एन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लास्ट में सभी में देखोगे तो प्रोपेन एन आ रहा है, इसमें भी एन आ रहा है, इसमें भी एन आ रहा है। तो एक ऐसा तरीका बनाया जाए कि किसी का भी नाम हो हम लोग आसानी से लिख सके, ठीक है? तो जैसे अगर कार्बन की संख्या एक है तो उसका नाम क्या होता है? मेथ। अगर 2 कार्बन की संख्या है तो उसको क्या बोलते हैं? एथ। अगर 3 कार्बन की संख्या है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोप। अगर 4 कार्बन की संख्या है तो क्या बोलते हैं? बोलो। हाँ, क्या बोलते हैं? ब्यूट, कि क्यूट बोलते हैं। तो तुम लोग क्यूट नहीं हो, मतलब तुम लोग गधे हो। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। 6 को हेक्स। 7 को हेप्ट। 8 को ऑक्ट। 9 को नोन। और 10 को डेक। 11 को अनडेक। 12 को डूडेक।
ठीक है, तो इंग्लिश में भी चाहो तो लिख सकते हो इसको मेथ, इसको एथ, ये प्रॉप, ये ब्यूट, ये पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ठीक है। तो देखो इधर, हमने अगर इसमें एक सी एच टू और जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, सी फोर एच टेन। तो चार कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, उसमें क्या जोड़ दें, एन, तो ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगर इसमें एक सी एच टू और जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, सी फाइव एच ट्वेल्व, पांच कार्बन को बोलते हैं पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट, उसमें जोड़ दो एन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो इसमें देखोगे तो जो ये मेथेन है, ठीक है, ये एल्केन सजातीय श्रेणी का फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। ये जो एल्केन है, एल्केन से आती श्रेणी का प्रथम मेंबर कौन है, मेथेन, तो फिर एथेन कौन है, सेकेंड मेंबर, कौन है, सेकेंड मेंबर। ये प्रोपेन कौन है, थर्ड मेंबर या तृतीय सदस्य, और ये फोर्थ मेंबर है या चतुर्थ सदस्य। तो प्रथम सदस्य कौन होगा, मेथेन, कितने कार्बन का, एक कार्बन का। द्वितीय सदस्य कौन होता है, एथेन, तृतीय सदस्य प्रोपेन, और चतुर्थ ब्यूटेन। इस तरह से आगे बढ़ता जाता है, समझे। तो इसको भी लिख लेना और याद कर लेना।